He is the next speaker of Amazon. I would request him to please come on the stage. Ladies and gentlemen, please give him a big round of applause. Mr. Sabir Fazal, he is also the president of Event Management Society. We will discuss regarding the Amazon. Yes. एक चीज अच्छी हो गई है कि यहाँ पे जो बैठे हैं इट्स मीन वो अपना टाइम दे सकते हैं जो चीज मैं करवाने जा रहा हूँ इसके लिए टाइम चाहिए आपका ठीक है और ये सॉरी टू से माइंड ना करना कि कोटी की तरह बोरिंग चीज नहीं है ठीक है पैसा कौन नहीं कमाना चाहता ऑब्वियसली सब लोग कमाना चाहते हैं ठीक है और अगर इन केस में बात करूं तो पैसा ही इस दौर में वो चीज है जिससे आप हर खुशी खरीद सकते हैं वो बातें उन लोगों की होती हैं कि पैसा कुछ नहीं है पैसे से कुछ क्या नहीं खरीदी जा सकती कि वो लोग बातें करते हैं जो नाकाम हो जाए ठीक है मेरे अकॉर्डिंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो अच्छी बात है कि जो चले गए इसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे टाइम नहीं दे सकते थे बाद में अगर मैं उन्हें वर्कशॉप करवाता वर्कशॉप होगी हमारे डिपार्टमेंट लेवल पे अगर वर्कशॉप होती तो उसमें क्लैशेज आते उसमें इश्यूज बनते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे ऑलरेडी हमारी एक वर्कशॉप चल रही है डिपार्टमेंट लेवल पे ठीक है उसमें हमारे पास राउंड अबाउट 50 की थी रजिस्ट्रेशन जिसमें से फिल्टर आउट होके अब तक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मार्केट में जिन्होंने खुद को लॉन्च किया ठीक है स्टार्ट करता हूँ मैं अपना सेशन विजिबल है ई कॉमर्स होता क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग फिजिकल मीडियम में आप में से मोस्टली जाते हैं आप स्टूडेंट्स हैं और सीनियर लेवल पे इंडस्ट्री लेवल पे बाजारों में सबका चक्कर लगता है अगर और कुछ ना भी खरीदें बॉयज तो सब्जी खरीदने लाजमी जाते हैं और इन केस आलू प्याज खराब हो जाए तो घर से जो कुट लगती है वो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तो लाइक बाइंग एंड सेलिंग हम कॉमर्स कर रहे होते हैं डेली लाइफ में कर रहे होते हैं बाद अवत हमें निगोशिएट करना नहीं आता क्लाइंट के साथ बाद अवत हमें बार्गेनिंग करनी नहीं आती जो कि सुन्नत है ठीक है बस यहाँ पे उन्होंने मॉडल क्या कन्वर्ट कर दिया ई पे ले आए इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस कर दिया ई कॉमर्स में जब नाम लिया जाता है ई कॉमर्स का तो आपके माइंड में आता होगा Amazon, Taraz, Shopify, Shoplaza, WooCommerce, eBay, ठीक है Walmart, ये e-commerce stores आते होंगे ये सारे e-commerce stores हैं ठीक है जो काम कर रहे हैं यहाँ पे Taraz की थोड़ी सी रेपो खराब थी लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया अपने उन्होंने रेपो इंक्रीज की अपने स्टैंडर्ड्स ग्रूम किए ठीक है इस वजह से वो काफी बेटरमेंट आ गई है उसके पीछे भी काफी वजह है वो जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा ई कॉमर्स अगर इन केस आप अर्निंग पर्पज के लिए नहीं करना चाह रहे लाइक आपके माइंड में यार अभी फिलहाल मैं स्टूडेंट हूँ डिग्री करनी है माइंड में होता है ना यार डिग्री के बाद परफेक्ट नौकरी लग जाएगी 1.5 लाख की ऐसे सोच लेते हैं ठीक है तो अगर इन केस ऐसी मेंटेलिटी है तो ई कॉमर्स इस वजह से भी करो कि आने वाले दौर में आपकी जरूरत बनने वाला है आने वाले दौर में अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन नहीं गया तो बिजनेस फ्लॉप होगा ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स पड़ी हैं आपकी डेली लाइफ में गूगल करें ऐसे कई 200 वहाँ पे ऐसे बिजनेस पड़े हैं जो ऑनलाइन नहीं आए और टाइम की डिमांड को पूरा नहीं किया और वो फ्लॉप हो गया ठीक है ई कॉमर्स जरूरत बनने वाला है यहाँ पे बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है ई कॉमर्स इज द नीड ऑफ ऑल इन द मॉडर्न इमर्जिंग वर्ल्ड एक बड़ी पंचिंग लाइन है ये ठीक है ई कॉमर्स ये थी बेसिक चीजें नेक्स्ट है हमारे पास जो मॉडल्स हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे जो मैं आप लोगों को मॉडल्स करवाऊंगा उसमें B2B मॉडल होगा और B2C मॉडल होगा जो आप यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर से बैठेंगे सारे मॉडल्स आप आगे सब्जेक्ट्स आएंगे हमारे ई कॉमर्स से रिलेटेड ठीक है तो वहाँ आप लोग ये चीजें पढ़ोगे B2B मॉडल क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं एक बिजनेस से हम दूसरा बिजनेस अपना एस्टेब्लिश कर रहे थे लाइक मैंने अगर इन केस करना है अपना बिजनेस स्टार्ट तो मैं कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाऊंगा बिजनेस से मैन्युफैक्चर करवाऊंगा बिजनेस क्या है कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोई कंपनी है मैं उससे मैन्युफैक्चर करवाऊंगा बल्क अमाउंट में करवाऊंगा बिजनेस के लिए मैं एक दो प्रोडक्ट नहीं लूंगा ऑब्वियसली ठीक है तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो B2B मॉडल होगा मैं बिजनेस के साथ डील कर रहूंगा अपने बिजनेस के लिए वो B2B मॉडल होगा B2C मॉडल नेक्स्ट क्या है हमारे पास बिजनेस टू कस्टमर लाइक मैंने ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद मैंने कस्टमर्स को प्रोडक्ट देने हैं कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने हैं तो वो क्या मेरा मॉडल आ जाएगा B2C मॉडल इन मॉडल्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं स्टैंडर्ड्स को हम लोगों ने देखना होता है कि लाइक हम किस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं ऑब्वियसली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएशन करते हो उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ये मॉडल्स की यहाँ पे इंप्रूव करवाने का पर्पस सिर्फ ये था कि ये ऐसी चीज़ें हैं
जो आगे फर्दर हम लोग जाके डील करेंगे। बी टू सी कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाना, लाइक मैंने एक स्टोर बना लिया है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन स्टोर ये होगा, मेरा प्रोडक्ट या तो मेरे ड्राइंग रूम में, लाइक अगर इनकेस मैं पाकिस्तान लेवल पे कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं अमेरिका में कर रहा हूँ, या तो मेरा प्रोडक्ट मेरे ड्राइंग रूम में पड़ा होगा या मेरे स्टोर रूम में पड़ा होगा। एक मेथड तो यही है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन से मैंने प्रोडक्ट ले लिया। दूसरा ये है कि मैंने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया। वेयर हाउस क्या है? स्टोरेज रूम है, ठीक है, स्टोरेज है वहां पे। डिफरेंट सेलर्स के प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉपर उन्होंने IBNs और ACs दिए होते हैं जिनके थ्रू ट्रैक कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स। वहां से वो प्रोडक्ट हमारा उठाते हैं, जैसे ही ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर कंफर्म करते हैं, वहां से प्रोडक्ट उठाकर डिलीवर कर देते हैं कस्टमर तक, और हम उसके बदले उन्हें पे कर देते हैं। जैसे हम TCS से कुरियर सर्विस यूज करते हैं, सिमिलरली Amazon भी हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो B2C मॉडल में वो चीज आ जाएगी, चाहे हम फिजिकल स्टोर बनाए, चाहे हम ऑनलाइन करें, चाहे हम वेयर हाउस में रखें, चाहे हम अपने ड्राइंग रूम में रखें, जहां भी रखें अपना प्रोडक्ट, बिजनेस हम होंगे, प्रोडक्ट हमारे पास होगा, हम लोग ने फर्दर कस्टमर्स को देना है। बात करते हैं Amazon की तरफ। मायसेल्फ राणा सकीब मजर, ठीक है, 2 साल हो गया अप्रोक्सीमेटली मुझे इस फील्ड में Amazon में। यूनिवर्सिटी आने से पहले मैंने स्टार्ट किया था ये Amazon, और मेरी स्टोरी ये थी कि ISFB से नॉट रिकमेंड था, ठीक है, देश सेट मुंतर से छुट्टी कर, और लाइक मैं आ गया यहाँ पे। यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था और GSB की बेस करने अप्लाई किया, तो वहाँ से लेटर आने में टाइम था, तो मैं फ्री था, तो मेरी कज़न ने कहा कि आ जाओ ई कॉमर्स करते हैं। मुझे लगा शायद ये कोई ना कॉमर्स से रिलेटेड या सियासी चीज़ों से रिलेटेड या वकालत से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे ना गाइड कर दें, मैं घर जाके इन्फॉर्म करूँगा। लाइक उन्होंने बताया, ज्वाइन किया, लाइक मुझे इसका कोई नॉलेज ही नहीं था कि होती क्या बनाएं, ठीक है, और ना ही प्रॉपर, जब मैंने किया था उसका कोई प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं थी, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे रहे थे हमें। मैंने सिर्फ PL किया था, अब मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मैं होल सेल में कर रहा हूँ, मैं हंटिंग सोर्सिंग लिस्टिंग को आगे सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, मैं वो कर रहा हूँ, LLC बेस्ड मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है, मैं BA की सर्विसेज दे रहा हूँ, और बहुत सी चीज़ों में पंगे ले लिया, आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर लिया, ठीक है। Amazon एक ई-कॉमर्स स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सॉरी टू से पाकिस्तान कंट्रीज में नहीं आता, पाकिस्तान में हम लोग सेलर सेंटर नहीं बना सकते, हमें ऑब्वियसली किसी और कंट्री का सेलर सेंटर चाहिए होगा। ना हम बाय कर सकते हैं, ना हम सेल कर सकते हैं। पहले अंदर कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इमरान खान के एरा में आई थी कि हम लोग अपना सेलर सेंटर बना सकते थे, लेकिन अभी वो डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट नहीं कर, उससे पहले फिर क्लैशेज स्टार्ट हो गए। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री में अपना पैसा नहीं लगाएगी, अपने एसेट्स नहीं लगाएगी जहां पे डॉलर स्टेबल ना हो और वहां की गवर्नमेंट स्टेबल ना हो, तो यही वजह थी। Amazon मोर देन 170 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, 170 मुल्कों से ज्यादा ही ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स स्टोर है ये Amazon। इसका यहाँ पे अगर रीडेबल हो आप लोगों को, तो यहाँ पे इनका चार्ट है, अर्निंग चार्ट है, इनका रेवेन्यू चार्ट है। 2004 में इनका रेवेन्यू था 6.92 बिलियन, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इन बिलियन US डॉलर। कितना था 2004 में? 6.92 बिलियन, और अभी 2022 जो प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू था इनका 513.98, लाइक 513.98 US बिलियन डॉलर, ठीक है। अगर ये एक Amazon के एक महीने की कमाई भी हमारे पास एनुअल है, सॉरी एक साल की कमाई भी आ जाए, तो पाकिस्तान अमेरिका को टक्कर दे लेगा, ठीक है, ये उसकी अर्निंग है। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग कहते हो कि यार मैं आऊं तो मुझे इसमें से क्या मिलेगा, इसका ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 513 बिलियन US डॉलर, अगर इसमें से हमें 0.0000 भी मिल जाए, 0.001 लगाना है, अगर वो भी मिल जाए तो हमारे लिए पाकिस्तान PKR हमारे लिए वो बहुत ज्यादा बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों के पास अर्निंग मेथड्स बहुत ज्यादा होंगे, अर्निंग वेज बहुत ज्यादा होंगी, और जो चाहिए वो कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। पाकिस्तान में कंपटीशन ज्यादा है, मेजॉरिटी यहाँ पाकिस्तानी फ्लॉप क्यों होते हैं, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उससे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। उनमें से कुछ ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, उन पे वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑर्डर तो काफी बड़ा है लेकिन वो पंच के फॉर्म में, पैकेज के फॉर्म में उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्निंग मेथड्स क्या होंगे? अर्निंग मेथड में से सबसे जो पहला मेथड है वो एज अ स्टूडेंट, आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, अगर मैं इन केस कहता हूँ कि यार इन्वेस्ट करते हैं फिर पैसा कमाते हैं, बिजनेस है ना, बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है,
तो अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहां पे एक बीएल स्टार्ट करने के लिए मुझे मिनिमम जो रिक्वायर्ड होगी अमाउंट 10,000 से 15,000 डॉलर चाहिए। एज अ स्टूडेंट नहीं है मेरे पास, मैं नहीं स्टार्ट कर सकता, बट इट डजंट मीन मैं आर्ट भी नहीं कर सकता। अर्निंग मेथड क्या है, जो एज अ स्टूडेंट जिससे मैंने स्टार्ट किया था, मेरा करियर जिसमें स्टार्ट हुआ था वो एज अ बीए ही हुआ था। बीए क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है, या वर्चुअल मैनेजर कह लें, अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आए तो वर्चुअल मैनेजर कह लें, अदरवाइज होता है ये बीए है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है, असिस्ट कर रहा होता है वर्चुअल लोकेशन पे। लाइक मैं अगर अमेरिका के अकाउंट्स होल्ड कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान बैठ के कर सकता हूँ। पाकिस्तान में भी कोई फिक्स नहीं है कि मेरा ऑफिस होना चाहिए, मैं घर बैठ के करूँ, मैं गांव चला जाऊँ, मैं रास्ते में करूँ, ठीक है, मैं लाहौर चला जाऊँ, जहाँ मर्जी वर्चुअल लोकेशन जो मर्जी हो मेरी, मैं उसे असिस्ट करना है। असिस्ट किस वे में करना है, और डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। वो जो क्लाइंट हमसे डिमांड कर रहा है, अकाउंट मैनेजमेंट का पूछ रहा है, हंटिंग लिस्टिंग सोर्सिंग पीपीसी कंपेयर है, सो ऑन, इन चीजों की वो सर्विसेज लेना चाह रहा है, तो हम लोग उसे वो फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट रेट्स होते हैं हमारे, बिगनर्स के रेट्स अलग हैं वो सर्विसेज देने के, एक जो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ सैलरी उनसे लेते हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके रेट्स अलग हैं, ठीक है। तो एज अ वीए हम लोग स्टार्ट करेंगे, वीए वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो रिमोट लोकेशन पे बैठ के किसी भी बिजनेस को असिस्ट कर सकते हैं। और जो हम लोग वर्कशॉप में करेंगे, जो हमारा कोर्स होगा, उसमें सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं होगी, उसमें आप लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, उसके बाद सऊदीया, यूएई, दुबई, ठीक है, लाइक सारी ओवरऑल मार्केट प्लेस जो यहाँ एशिया और यूरोप से रिलेटेड हैं, आप उन्हें टच करोगे, आप उन्हें इजीली सर्विसेज दे सकोगे। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी चाहिए और टीम चाहिए, टीम चाहिए। टीम के बगैर इस दौर में आप मार्केट में इन नहीं हो सकते। और टीम पे मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं, टीम कैसी चाहिए, टीम वो चाहिए जो रिलायबल हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है। यहाँ पे बात आगे आनी है पैसों की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान में क्या होता है, थोड़े से पैसे हैं बंदा यूं गया, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि जो टीम आप लोग बनाएं, वो बनाएं जो ट्रस्टवर्दी हो। मेरी टीम में जो हमारी कोर टीम में नेटवर्क तो बहुत बड़ा बन गया, जो हमारी कोर टीम है उसमें हम लोग 4 दोस्त हैं, एक फीमेल है हमारे साथ और 2 मेल हैं, एक लाहौर होता है, एक मुल्तान होता है, अभी वो रिसेंटली परसों सरगोधा शिफ्ट हुआ है। हम 4 मेंबर्स की टीम है, कोर टीम जिस जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, एक हमारा ड्रॉप शिपिंग को मैनेज कर रहे हैं, एक मार्केटिंग को मैनेज कर रहे हैं, मैं और क्लाइंट्स को डील कर रहा हूँ, और नीचे नेटवर्क हम लोगों ने बनाया है। नेटवर्क से मुराद जो न्यूबीज आते हैं, अगर जिसका पोर्टफोलियो वाकई अच्छा हो और हमें फील हो कि यार ये बंदा काम करेगा, जो भी हम लोग फर्दर काम करते हैं ना नेटवर्क में, हम लोग उस बंदे को हायर करते हैं या जिसका काम वाकई रीचेक ना करना पड़े, ऐसा बंदा हायर करते हैं ताकि हमारा वर्कलोड कम हो, हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो। ऐसा बंदा हायर करते हैं, ऐसी बंदी हायर करते हैं जो हमें अच्छी सर्विसेज दे। उसके बाद वर्किंग मॉडल्स को मैं टच करूंगा थोड़ा थोड़ा, मैंने बताया पीएल का, होलसेल का, ड्रॉप शिपिंग का। हमारे 3 वर्किंग मॉडल्स हैं अमेजोन पे, ये आप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे कर सकते हो। अमेजोन को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, जैसे अमेजोन आ गया उसे ईबे, शॉपिफाई, शॉपलाजा, वॉलमार्ट एक्सेट्रा, ये सब कुछ आ जाएगा। अमेजोन सबसे बड़ा मगरमच्छ समझो ई कॉमर्स में। 3 मॉडल हमारे काम करते हैं, पीएल, पीएल स्टैंड फॉर प्राइवेट लेबल। सिमिलरली इसमें हमारे पास होलसेल में भी है और उसमें हमारे पास ड्रॉप शिपिंग भी है। पीएल मॉडल जो है सबसे बड़ा अमेजोन वर्किंग मॉडल है। पीएल में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, लाइक सिंगल ओनर होता है जो बिजनेस को ऑन कर रहा होता है, उसका पार्टनर बैक एंड पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेन कमांड वही दे रहा होता है। और मेन जो इसका, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में से एक्सप्लेन करूं पीएल को, तो प्राइवेट लेबल जो है इसमें हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, हमारा अपना ब्रांड होता है, ठीक है, हम ब्रांड खुद अपना रजिस्टर करवाते हैं और अपनी मर्जी का प्रोडक्ट करवाते हैं, मैन्युफैक्चर उसे पेटेंट भी करवा सकते हैं और उसमें जो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने करवानी होती है हम लोग करवा सकते हैं। पीएल में ये चीज़ होती है, पीएल में प्रॉफिट रेशियो हमारा बाकियों की निस्बत ज़्यादा होता है। और एज अ बीए सबसे ज़्यादा हम जो सर्विसेज दे सकते हैं पीएल में दे सकते हैं। पाकिस्तान मार्केट में थोड़ा ट्रेंड है होलसेल का, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें अर्निंग भी कम है। पीएल है, इसमें सर्विसेज ज़्यादा, बीए भी हम लोग ज़्यादा दे सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए, इसका टर्नओवर भी ज़्यादा है, इसका प्रॉफिट रेशियो भी ज़्यादा है। इसमें यह होता है कि अगर मैं चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करवाता हूँ पीएल में, वो मुझे सोर्सिंग पड़ती है अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम $4-5 तक, अच्छा सोर्स, ये विद शिपिंग चार्जेस है वेयर हाउस तक प्रोडक्ट पहुंच का। अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं $2, $3 या मोर देन 300 कैटेगरीज अमेजोन पे हैं, और उन कैटेगरीज की आगे सब कैटेगरीज भी कम से कम 10 हैं,
ठीक है, और फिर हर कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3 to 4 मिलियन सेलर बैठे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है ऐसे। पीएल में हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, अगर हम कोई प्रोडक्ट $2 में, $3 में या मैक्सिमम $5 तक मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, और जब हम अमेज़न की मार्केट प्लेस अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या जर्मनी में, ठीक है, हम लोग जब सेल करेंगे तो वही $5 वाला प्रोडक्ट हम लोग अप्रोक्सीमेटली मिनिमम $15 का सेल कर सकते हैं, मिनिमम $15 का। मैक्सिमम मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस होती है, मेरी मर्जी नहीं चलती, मेरी मर्जी से वजह से नहीं चलती, या लाइक जो ऑन कर रहा है पीएल को उसकी मर्जी से वजह से नहीं चलती, मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखते हैं, हम लोगों ने कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं, कस्टमर्स गेन करने हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो इस वजह से हम मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करते हैं, मिनिमम अगर $15 की भी करें हम लोग, उसमें हमारे FBA चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस, अगर ये हमारे $5 के राउंड अबाउट ये खर्चा निकाल दें तो कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है $5 एक प्रोडक्ट पे। इवन रफ सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब कोर्स स्टार्ट करेंगे हम लोग बड़ी एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रॉपर सोर्सिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। $5 एक पे एक प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट मिल रहा है, अगर इनके 1000 क्वांटिटी होती है, $5,000 तो साइड पे इन्वेस्टमेंट 5,000 थी और आउटपुट भी 5,000 है फर्स्ट पे, बाद में ये उस कंडीशन में है कि अगर इनकेस आपके एक्सपेंडिचर $5 हो तो, अदरवाइज एक्सपेंडिचर इससे कम आ जाएंगे हमारे, हमारी प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होती है हमेशा। उसके बाद पीएल में क्लियर है ना, किसी को अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें, क्योंकि बाद में दोबारा हम पीएल की तरफ नहीं आएंगे, हम लोग नेक्स्ट बुक करेंगे, क्लियर है। पीएल सब जो एक सिंगल ओनरशिप है, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना है, अपनी सोर्सिंग करवानी है, और अपनी मर्जी से जिस मार्केट प्लेस में मर्जी चाहे उसमें हम लोगों ने सेल करना है। नेक्स्ट है होलसेल, हमारे पास होलसेल क्या है, हम लोगों ने फ्रेंचाइजिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग फ्रेंचाइज बाय कर लेते हैं किसी एक ब्रांड की, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, और फिर उसी ब्रांड का प्रोडक्ट हम लोग सेल कर सकते हैं विद कॉन्ट्रैक्ट, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारी निगोशिएशन होगी, वो हमें बताएंगे कि आप कितना प्रॉफिट रख सकते हो, $5 रख सकते हो, 10% रख सकते हो, 5% रख सकते हो, 7% रख सकते हो, या व्हाटएवर, वो हमें बताएंगे कि आपका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, ठीक है। वो उन्हीं से हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करवा सकते होलसेल में, उनकी जो शराइत होंगी, जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उन्हीं से प्रोडक्ट लेंगे और जो रेट वो बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है होल सेल में वो कम हो जाता है, जहाँ पे पीएल में $5 था, होल सेल में वो $1.50 $0.70 या $1.5 मैक्सिमम इतना चला जाता है, होल सेल में ये होता है। बाकी ब्रांड पे डिपेंड करता है, ब्रांड कैसा, ब्रांड कितना प्रॉफिट दे रहा है आपको अर्न करने के लिए, होल सेल का सिंपल ये था। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के यहाँ पे पाकिस्तान में तो किसी भी कोई भी काम है ना, इधर से उठाया मोबाइल एक दुकान से दूसरे को सेल कर दिया, चाहे अपने रिश्तेदारों को सेल कर दिया और कहा कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताता हूँ, यहाँ पे दो तरह की ड्रॉप शिपिंग हो सकती है पाकिस्तान मार्केट में, पाकिस्तान मार्केट में अगेन बता रहा हूँ, पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है, शॉपिफाई है, ईबे नहीं है, वॉलमार्ट पाकिस्तान में क्लाइंट नहीं है, ठीक है, अमेजोन में तो सेलर सेंटर और कस्टमर के लिए लॉगिन जी नहीं है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हो तो दो मेथड से कैसे कर सकते हो, आप प्रोडक्ट उठाते हो किसी एक ब्रांड का और देखते हो कि वो ब्रांड ने ऑफ लगाया हुआ, जैसे MSM को विजिट किया किसी ने, मॉडर्न शॉपिंग मॉल को, वो यही करते हैं, वो डिफरेंट ब्रांड्स के ना इनकी एक्सपायरी होती है, एक माह बाद प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, नए आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो MSM पे हर ब्रांड मिलेगा आपको। और हम क्या समझते हैं यार, खाटी वाले यही चीज 3,000-4,000 में दे रहे थे, MS वाले 2,500-3,000 में दे रहे हैं, वजह क्या है, तो उसके पीछे बैकएंड में ये स्टोरी होती है कि जो आर्टिकल्स उनके एक्सपायर हो जाते हैं, चाहे वो पीस पीके या ना पीके, वो वापस उनके मेन हेडक्वार्टर में चला जाता है, वहां की होती है बिडिंग होती है, ठीक है, वहां बोलियां लगती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पूरे कॉटन ले आते हैं, वहां से प्रोडक्ट बाई करते हैं या आके सेल करते हैं। और हम पाकिस्तानी हम मासूम लोग ये समझते हैं यार वो खाड़ी वाले महंगा दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं, हालांकि वो पुराना आर्टिकल होता है। वो एक किस्म की ड्रॉप शिपिंग का सिनेरियो ये है कि वहां से सस्ता खरीद के आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ये बेच रहे हैं। सिमिलरली एक मेथड ये है कि हम किसी ब्रांड का प्रोडक्ट उठाएंगे, उससे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे और अपना प्रॉफिट रेशियो रखते हुए उसे सेल करेंगे। एक सिनेरियो ये होगा कि हम उससे प्रोडक्ट सस्ते में खरीद के अपने पास स्टॉक कर लें, 100 पीस, 50 पीस, 1,000 पीस, 10 पीस या 5 पीस, क्वांटिटी और उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। एक सिनेरियो ये है वो सस्ता दे रहे हैं, वैसे मार्केट में 1,000 रुपए के हम 500 का लेते हैं, अपने पास स्टॉक कर लेते हैं।
और फिर उसी प्रोडक्ट को हम मार्केट में 1200 का बेचते हैं। इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, तो प्रोडक्ट खरीदना तो है ना, खरीद लो, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ गई है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि हम डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स को ढूंढें जो प्रॉपर लीगल मेथड में हमें ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रही है, प्रॉपर लीगल मेथड में हमें ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रही है। वहां पे प्रोडक्ट हमें बाय करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल वहां पे हम लोग ने रजिस्टर होने अपने जो ई कॉमर्स स्टोर है दराज ओएलएक्स एक्सेट्रा, ठीक है, फेसबुक टिकटॉक स्क्रोलिंग के लिए तो यूज करते हैं, अभी थोड़ा बिजनेस पार्ट ऑफ भी यूज कीजिएगा। तो वहां से प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे इनकी मार्केटिंग करें। वहां पे अगर प्रोडक्ट 500 का है तो उसे मार्केट में हम रेट देखते हैं 1200 के राउंड अबाउट, 1000 के राउंड अबाउट। अगर मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है हम वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और जो ई कॉमर्स वेबसाइट होगी हम उसे ऑर्डर प्लेस करेंगे उस पर जाके, वो हमें बता देगी कि आपका प्रॉफिट रेशियो कितना है। लेट्स सपोज 500 का प्रोडक्ट था, 1000 में बेचा है, 500 रुपया प्रॉफिट बनता है, वहीं पे ऑन द स्पॉट वो हमें मैसेज आ जाएगा कि आपका 500 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। और जैसे कि हमने एड्रेस दे देंगे, प्रोडक्ट हमारा उठाएंगे, डिलीवर कर देंगे, हमारा सर दर्द नहीं, स्ट्रेस लेवल कम हो गया। हमें खुद से जो अपने पास अगर प्रोडक्ट मंगवाते, एक तो इन्वेस्टमेंट थी, फिर उसकी डिलीवरी, जैसे कोई ऑर्डर आता आप दराज वालों के पास भागे होते, आप TCS वालों के पास भागे होते, आप लेपर्ड्स के पास जाएं, पैकिंग का खर्चा, वो बड़े एक्सपेंडिचर बढ़ जाते, हमारा प्रॉफिट रेशियो कम हो जाता है, हालांकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे ये होता है कि वो पैकिंग भी वही करेंगे, डिलीवरी भी वही करेंगे, पेमेंट भी वही लेंगे, हर वीक में हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट्स में आ जाएगी, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट उठाना है, मार्केट के अकॉर्डिंग उठाना है। अब लेट्स सपोज अमेरिका में ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वहां तस्बीहें बेचना शुरू कर दें या जाए नमाज बेचना शुरू कर दें, तो तस्बीहें उन्होंने पढ़ने के लिए नहीं लेंगे, वो समझेंगे गले में पहनने के लिए हार है, वो स्मार्ट होगी, अगर कोई ले तो ले, अदरवाइज वो मार्केट प्लेस नहीं है इस प्रोडक्ट की। और यही अगर इनकेस हम लोग यहाँ पे फाइबर पे आप लोगों ने शायद देखा होगा, वहां पे लगी हुई है गिग्स काले जादू की, पाकिस्तान में वो भी बिकता है, ठीक है, वो सर्विसेज भी बिक रही है पाकिस्तान में। तो हम लोग पाकिस्तान में अगर वो बेचते हैं, कोई सर्विस देते हैं, तो हम लोग वहां से अर्न कर सकते हैं। मार्केट प्लेस हमें देखनी होगी, पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट ट्रेंड पे चल रहे हैं, जो आए दिन कोई नया प्रोडक्ट आया होता है सोशल मीडिया पे एक्सेट्रा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करेंगे। इसमें कोई हंटिंग सिनेरियोज नहीं है, माइंड गेम है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे चलना है। ये ड्रॉप शिपिंग है, ये दो सिनेरियोज है, हम दोनों को टच करेंगे। तीसरा सिनेरियो इसमें वही आता है कि आप लोग देखें आपके एरिया में अगर कोई ऐसी चीज है जो पॉपुलर है, ठीक है, जैसे सिलावाली में वुडन क्राफ्ट जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां पे आप जाकर निगोशिएट करें, वो प्रोडक्ट वहां पे 600 का दे रहे हैं, वही चीज यहाँ सरगोधा में किसी मॉल पे चले जाए ना, ये बुर्ज हुरैरा पे चले जाइएगा, यहाँ पे वुडन जो क्राफ्ट पड़े हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2,000-2,500-3,000 के राउंड अबाउट पड़े हैं। और अगर इनके सोई सिलावाली में जाके देखे ना जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 600 का प्रोडक्ट है, आप उन्हें ड्रॉप शिप कर सकते हो, उनके साथ जाके नेगोशिएट करो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करो कि यार हम आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग करेंगे आपके प्रोडक्ट। तीसरे सिनेरियो पे काफी ज्यादा उन्होंने काम किया है और पीएल में बाकी काम कर रहे हैं। ऐसा भी आप लोग सर्विसेज क्या क्या दोगे, पीएल की बात की थी मैंने, कहा था पीएल का मेन कोर्स है हमारा वो करेंगे। ड्रॉप शिपिंग में किसी को कोई सर्विस नहीं देनी, अपना स्टार्ट कर सकते हो, जो 3 पॉइंट्स 3 सिनेरियोज मैंने बताए हैं आप लोग अपना स्टार्ट कर सकते हो, किसी को कोई सर्विस देने की जरूरत नहीं है ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है। हाँ अगर इनकेस माइंडसेट एम्प्लॉयमेंट वाला है तो दैट इज समथिंग एल्स, ड्रॉप शिपिंग में किसी को कोई सर्विस देने की जरूरत नहीं है, अपना स्टार्ट करें। पीएल में जो हम सर्विसेज देंगे उसमें हमारे पास टॉप पे आ रही है प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग का सैंपल आपको दिखा दिया जाएगा, यहाँ मैंने दिखाता, मेरी टीम मेंबर आएंगे वहाँ के, यहाँ पे आपको सैंपल दिखा देंगे 5-10 मिनट में। हंटिंग क्या चीज है, हम लोगों ने देखना है प्रोडक्ट, जैसे मैंने मार्केट प्लेस की बात की कि हम अमेरिका में तस्बीह और जायनमाज नहीं बेच सकते, सिमिलरली हम पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं बेच सकते, तो मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग और अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, पीएल में इन्वेस्टमेंट आनी है, अगर इनकेस आपकी नहीं है तो जो क्लाइंट आ रहा है जिसने इन्वेस्ट करने, जिस हम सर्विस दे रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, उसके पास तो पैसा होगा तभी वो आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो बता देगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट ढूंढते हैं मार्केट प्लेस में हम कौन सा प्रोडक्ट करें। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग है कि हम लोग ने प्रोडक्ट का लेआउट कैसा देना, ठीक है, उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन और वो चीजें आ जाएंगी, इसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम लोग वो करेंगे। उसके बाद सोर्सिंग है, सोर्सिंग में ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहाँ से होगा, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाएंगे, वो चीजें आ जाएंगी। हम कुछ चाइना से सोर्सिंग करते हैं, जब कोर्स स्टार्ट होगा तो सारी डिटेल आपको समझा दी जाएगी। पीपीसी है, पीपीसी एडवर्टाइजिंग मॉडल है हमारे पास, एडवर्टाइजिंग मॉडल लाइक मार्केटिंग करनी है हम लोगों ने, प्रोडक्ट्स को करवाना है हम लोगों ने कि हमारा कस्टमर इंगेजमेंट हमें कैसे मिले, पीपीसी मॉडल वो है। बाकी इसके काफी सिनेरियोज हैं, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल है पीपीसी की, वो हम कोर्स में कवर करेंगे।
एंड पे ये हमारा कंटेंट होगा। टाइम शॉर्ट था और आप लोग भी बोर हो रहे थे, इस वजह से मैंने कवर अप किया है। हमारे पास जो ये चीजें हैं सारी, ये जो स्किल्स हैं, आप लोग इन्हें डिफरेंट दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देखकर बताता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग की जो सर्विस है, एक सिंगल प्रोडक्ट आप हंट करके मिनिमम $50, मैं पाकिस्तान मार्केट प्लेस से बाय की बात कर रहा हूँ, मिनिमम $50 से लेके मैक्सिमम जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा, जितने अच्छे स्टैट्स होंगे, आप लोग $110-$120 तक एक सिंगल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन हंटिंग आसान नहीं है, बहुत बोरिंग है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग ये है कि जो प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट किया है उससे आप लोगों ने लिस्ट करना है, तो ये सर्विसेज आप 50-60। प्रोडक्ट सोर्सिंग है हमारे पास। प्रोडक्ट सोर्सिंग में आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उस क्लाइंट के साथ जो आपके पास अगर कस्टमर आएगा सर्विसेज लेने के लिए किस तरह निगोशिएट करते हैं, वो निगोशिएशन पे डिपेंड करते हैं। आप इट माइट बी पॉसिबल एक सोर्सिंग से $300, $400 या $250 भी अर्न कर सकते हैं सिंगल सोर्सिंग से। वो निगोशिएशन कैसे होती है, लेट्स सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, वो कहता है मुझे 1000 प्रोडक्ट मैं सोर्स करवाने हैं, आप अच्छी सोर्स ढूंढो, अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, जो निगोशिएशन करनी है वो करो। हम लोग करते हैं और डील हो जाती है कि यार हर प्रोडक्ट पे मैं 50 सेंट लूंगा, 1000 उसके प्रोडक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा प्रॉफिट निकल आता है। सेकंड मेथड ये होता है कि हम आपको सोर्सिंग करके दे देंगे, आप हमें $100 दे दो, $200 दे दो, डिपेंड करते हैं आपका माइंडसेट कैसे है और आप इस बिजनेस को लेके कैसे चलते हो। शिपमेंट प्लान्स होते हैं, ये हम लोग क्रिएट करते हैं अमेजोन पे, ये 5 मिनट का काम होता है, ये हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। इसमें ये होता है कि हम लोगों ने अमेजोन को बताना होता है कि हमारा प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, कितनी क्वांटिटी आ रही है, किस तरह की पैकिंग हुई हुई और कब पहुंचेगा एक्सेट्रा, ये चीजें हैं शिपमेंट प्लान्स में। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स हमारे पास सिंपल एक वर्ड है मेरे पास, कीवर्ड क्या होते हैं हमारे पास, ऑनलाइन स्टोर पे सेल्समैन होते हैं, कीवर्ड्स हमारे ऑनलाइन स्टोर पे सेल्समैन है, बाकी लेबोरेटरी से मैं कोर्स में करूंगा। कंपेटिटर एनालिसिस एक्सेट्रा जो है वो हम लोग उसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के, जब हम किसी मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हम मार्केट प्लेस में एनालिसिस करेंगे 3-4 किस्म के, प्रोडक्ट एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है, और उसके बाद मार्केट एनालिसिस, उसके बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ये स्किल्स थी कुछ हमारी। एंड पे मोटिवेट करने के लिए मैंने कुछ स्टैट्स अपने अकाउंट के लगाए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी डिग्री भी लेके चल रहा हूँ, मैं ये सर्विसेज भी दे रहा हूँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं लेके चल रहा हूँ। सिर्फ अमेजोन से, सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर से जो मेरी अर्निंग्स हैं पिछले एक साल की, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक साइड मेरी एक मंथ की है जो 12 अक्टूबर तक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1,72,000 समथिंग 12 अक्टूबर तक की जो पिछले मेरी अमाउंट आई है एक महीने की, और जो मेरी एक साल की अकाउंट स्टेटमेंट है यहाँ पे देखें, एक साल में अप्रॉक्सीमेटली मैंने 27,26,000 समथिंग किया एक साल के अंदर, ये मेरे अकाउंट्स किस से, और सिर्फ ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स से की है, और अगर इनके साथ स्टूडेंट मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले बताया कि मुझे कॉमर्स का आइडिया ही नहीं था कि ये होता क्या है, ठीक है, और अगर मैं कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट यू। मुझे तो प्रॉपर मेंटोर भी नहीं मिला, मैंने खुद स्ट्रगल किया, खुद चीज़ें लर्न की, इधर उधर से कभी किसी मेंटोर के पास गया, कभी किससे थोड़े थोड़े पैकेट्स के फॉर्म में नॉलेज मिला। यहाँ पे डिपार्टमेंट फैकल्टी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप लर्न करें ये चीज़ें, ठीक है, सीरियस एटीट्यूड के साथ लर्न करें, और उसके बाद एज अ टीम मार्केट में खुद को लॉन्च करें, और जब तक टीम नहीं होगी अर्निंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप टीम वर्क नहीं करते उस वक्त तक आप मार्केट में अपनी ग्रिप नहीं बना सकते, और जब तक मार्केट में ग्रिप नहीं बनेगी, ग्रिप से मुराद आपका नाम, जब तक वो नहीं बनेगा इस मार्केट प्लेस में उस वक्त तक क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये सर्विसेज आप दे सकते हो, इसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ये जो कंटेंट मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे अर्निंग मेथड्स बता दूँ फिर वाइंड अप करता हूँ मैं। अर्निंग मेथड्स क्या होंगे, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 12 डिफरेंट स्किल्स सिखाऊंगा छोटे से टाइम पीरियड में, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकेंगे, अपवर्क, फाइबर, फ्रीलांसर, लिंक्डइन, ठीक है, इन पे। उसके बाद एज अ बीए काम कर सकेंगे, एज अ लाइक फिजिकल बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर सकेंगे, आज तो छोटे लेवल पे होगा, और उसके साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग, ये चीज़ें हैं। मैं फिजिकल भी कर रहा हूँ, मैंने भी यही चीज़ की थी, मैं फिजिकल बिजनेस भी कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हूँ, बीए की सर्विसेज दे रहा हूँ जो अब कम कर दी हैं, और उसके बाद अब अपनी LLC भी बनवा ली है, और ये मेरी एक एयर अर्निंग थी, ठीक है। होप सो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं समझ आई होगी, अगर किसी का अगेन कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।